वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम हो गई है और सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं ब्लॉग शूट करूं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाया था सुबह का, वही हमारा नाश्ता था, वही हमारा लंच था, क्योंकि हस्बैंड जब चले जाते हैं स्कूल के लिए तो फिर जो भी मतलब मुझे टाइम मिलता है, जैसे कि तब नहीं परेशान करता है अगर, तो मैं कुछ और बना देती हूँ वो बहुत अच्छा अच्छा सा, अदरवाइज जो वो परेशान नहीं करता है तो परेशान करता है, तो ऐसे ही सिंपल सा लंच और ब्रेकफास्ट सब ऐसे ही होता है मेरा। तो वही भिंडी और पराठे खाए थे हम लोगों ने, और भिंडी ज़्यादा थी इसलिए मैंने उसमें प्याज नहीं डाली थी, अदरवाइज मैं प्याज डालती हूँ और आप भी प्याज डाल सकते हैं। और मैं अध्यक्ष के पैर पकड़े बैठी हुई, ये देखिए बताए क्यों, ढेर दनादन मारते ही चला जा रहा है। और अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये तुलसी मंत्रा ड्रॉप। तो ये तुलसी मंत्रा का ये तुलसी ड्रॉप है, और इसकी जो पैकेजिंग है ये इस कार्डबोर्ड में आती है इस तरीके से, और ये एंटी ऑक्सीडेंट है एंड एंटी माइक्रोवायरल है एंड खांसी और जुकाम से हमें राहत देता है। और इसमें 5 तुलसियों का मिश्रण मिला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सी तुलसी है, मैं पढ़ के बताती हूँ। नंबर 1 विष्णु तुलसी, 1 तुलसी, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी और शुक्ला तुलसी, जिसमें जो राम और श्याम क्या कृष्ण लिखा हुआ है, रामायण श्यामा हमारे यहाँ बोला जाता है। तो जहाँ हम यहाँ रहते हैं, यहाँ हमारे जो ओनर हैं उन्होंने रामायण श्यामा दोनों तुलसी लगी हुई है हमारे यहाँ, तो वो तो मैंने देखी हैं, अदर और तुलसियाँ तो नहीं मैंने देखी हैं अभी तक। तो ये ना ये जो बना हुआ है ड्रॉप, ये 5 तुलसियों से मिलकर बना हुआ है, और ये तुलसी से हमारे जो खांसी है जुकाम है इन सब से राहत मिलती है। आप सभी को पता है बहुत से लोग चाय में तुलसी जो लगी होती है घर में उसी के 2-4 पत्ती तोड़ के डालते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से लोग काढ़ा बना के भी पीते हैं, तुलसी वगैरह दालचीनी बहुत सारे चीज़ें डालते हैं और पीते हैं। तो आप ये तुलसी के जो ड्रॉप है ये ले सकते हैं और डाल सकते हैं इस टाइम। तो मैं इसको अंदर से दिखाती हूँ कैसे ही खोलने पे ये ऐसा पैक होके आया है और इस तरीके से यहाँ से ओपन होता है, मैं ओपन कर देती हूँ ये, और ये निकला ड्रॉप। तो ये कुछ इस तरीके से है अंदर से इसकी पैकेजिंग, और इससे इसमें ये ड्रॉप डालने का ये नोजल दिया हुआ है, बहुत अच्छे से ड्रॉप गिर जाएंगी। तो इसमें लिखा हुआ है किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है, आप इसका सेवन चाय में जब चाय बना रहे हैं उसमें 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं, और जैसे सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं उसमें 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। आप इसे दिन में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 बार मतलब इसको यूज कर सकते हैं, और बच्चे भी इसे 2-3 बार यूज कर सकते हैं। एंड बच्चे के जो पानी गुनगुना है उसमें 1 ड्रॉप ही डालें, ज़्यादा नहीं। और मैं ये कहूँगी कि इसमें भी लिखा हुआ है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें जब और कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि छोटा बेबी मैं इसको तो नहीं देने वाली हूँ क्योंकि डॉक्टर को सलाह लेना अदरवाइज तो छोटे बेबी के लिए बिल्कुल भी नहीं। हमारे जो व्यूवर हैं उनमें से बहुत सी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं जिनकी डिलीवरी भी हो गई होगी, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तब इस्तेमाल करें प्रेग्नेंट वुमेन। सो अदरवाइज और सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और हमारे लिए अच्छा है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हमें इम्यूनिटी बढ़ाएगा हमारी, और इस टाइम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना किसी को बड़ा या छोटा कहकर नहीं आता है। तो अगर आप इसे बाइक करना चाहते हैं तो इसे बाइक कर सकते हैं, ये 2 की जो सेल्फ लाइफ है वो 2 साल है, और ये 186 यानी 186 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं इसे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर आप लोकल शॉप से भी खरीद सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप घर में ही रहिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। ओके अब बताओ क्यों पैर चल रहे थे तुम्हारे, दे दनादन पैर मार ही जा रहा है, हैं बताओ, कोई तुमको कुछ कहने वाला नहीं है तो तुम मारते ही रहोगे हैं बताओ। अभी आद्या सो के उठी है थोड़ी देर पहले, वो साइड में बैठे मेरी सारी बातें सुन रही है, अभी मैं बुला रही हूँ आद्या को, आजा मेरे बाबू आजा, करे नहीं आएंगे, आजा, गुस्सा है, पता है क्यों गुस्सा है, दक्ष से कल राखी बंधवाई इसने, और इसको क्या मिला, इसको सेलिब्रेशन मिला, चॉकलेट बॉक्स मिला जिसमें बहुत सारी चॉकलेट है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में,
मुझे मालूम है इसे चॉकलेट बहुत पसंद है, बट इसे चाहिए था गिफ्ट्स, गिफ्ट्स मतलब उसे चाहिए थे खिलौने। और पता है इसमें खिलौने में क्या चाहिए था? वो डॉल, और मतलब डॉल का सेट आता है, गुड्डा गुड़िया दूल्हा दुल्हन का बना हुआ, तो वो चाहिए था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि जाके एक दिन मार्केट में देखो, मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया बट उस टाइप का नहीं मिला जिस टाइप का इसको चाहिए था। एक बार इसकी दुकान पे देखा था बहुत पहले, जब लॉकडाउन वगैरह नहीं था, मतलब कोरोना वायरस नहीं था, अब तो हमारी लाइफ में जुड़ चुका है ये कोरोना वायरस, तो तब इसे पसंद किया था। मैंने बोला ले लूँ, तब उसने नहीं लिया था, कोई और दूसरी चीज़ किसी से ले लिया था, तब इसने अब बोल रही है मुझे वो चाहिए। तो अब मेरे हस्बैंड गए भी थे उस रक्षाबंधन से पहले देखने एक बार, एक तो अल्टरनेट शॉप खुलती है, पता नहीं चलता कौन दिन कौन सी शॉप खुल रही है, तो बड़ा झंझट होता है, जाओ भी मार्केट जाकर भी कुछ काम ना हो तो बेकार है। तो वही है, इनसे कहा था कि उस टाइम ले तो नहीं लिया, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड जब गए थे तो वो शॉप पे नहीं मिला। पता है क्या बोल रहे थे भैया, उन्होंने लिस्ट बनाई थी ट्वाइस वाली दुकान पे गए थे, बहुत सारे ट्वाइस की, उसमें से अगर मैं ये कहूँ 100 सामान थे उसमें, 100 की लिस्ट थी, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 मतलब को ट्वाइस रिसीव हुए होंगे बस, मतलब स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है, मिली नीला कोई सामान। तो वही है, लेकिन देखते हैं, मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं बाहर मार्केट ही गए हैं सामान लेने, और देखते हैं आद्या के लिए कुछ मिल जाता है अगर कोई ट्राई उसके मन का तो ले आते हैं, अदरवाइज नो। लेकिन आद्या नाराज है, नाराज हूँ कह रही हाँ, एक बार आओ तो सामने, आओ नहीं आओ नहीं आएगी, आओ तो दिखा दो, आ जा मेरे बाबू प्यार से मिला है, प्यार से आ जा मेरे बाबू आ जा, फिर मैं दक्ष को प्यार कर रही हूँ तुमको प्यार कर लूंगी, आ जाओ आ जाओ। अच्छा तुमको कौन सी वाली डॉल चाहिए, दूल्हा दुल्हन वाली? डैडी को फोन करूँ? आ जाओ आ जाओ मेरे बाबू आ जाओ, अगर आओगी तो कर दूंगी फोन में डैडी को, चलिए आ जाओ। नहीं आओगी तो पहले आओगी तभी तो करूँगी, अच्छा फोन अभी करूँ? अच्छा फिर आ जाओगी, ओके पहले मैं फ़ोन कर लूँ कि भैया मिली कि नहीं, भैया भैया नहीं निकल जाता है मुझसे, भैया नहीं है मेरे। पहले फ़ोन कर लेती हूँ कि आद्या की डॉल मिली या नहीं, या फिर आद्या की कुछ और टॉय मिला कि नहीं, नहीं तो ये नहीं आने वाली मेरे पास, गुस्सा होकर बैठी हुई है, और ये पैर चलाने से बाज नहीं आ रहा है ये, ठीक है। पापा से कह दिया मैंने, कह दिया पापा ने, क्या बोला ने क्या बोला बाबू? पापा ने बोला अभी मैं शॉप पे पहुँच जाऊँ, बाइक से हूँ, जैसे ही पहुँच जाऊँगा वैसे ही मैं आपको वीडियो कॉल कर दूँगा, जैसे ही वीडियो कॉल करेंगे तो आपको ढेर सारे खिलौने दिख जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप बता देना, आपका गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तो सब नहीं हो मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, और ये मेरे बदमाश बच्चा, बदमाश क्यों? हाँ कोई भी दीदी नहीं आई राखी बांधने, आई कौन सी? ये आद्या दीदी, आद्या दीदी आई, बोलो बोलो। सो भाई चलिए थोड़ी देर में हम चाय बनाएंगे, जैसे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो हम चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, ओके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं आद्या को थोड़ा सा प्यार कर लूँ मैं, और मैं चल रोती लेगी गुड़िया मेरी, ठीक है। चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, और हस्बैंड जो है मेरे आ गए हैं, तो वो लेकर आए थे ये पेस्ट्री 3, पता है किसकी खुशी में? आद्या की खुशी में। आद्या को मतलब बहुत परेशान हो रही थी राखी के पास, जो रो जा रही थी कि एक तो मेरे लिए केक नहीं आया, दूसरा मेरे लिए ट्राई नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा परेशान हो गई थी वो, इस वजह से उसके लिए पेस्ट्री ले आए हैं ये, और ये 3 है, एक मेरी, एक आद्या की और मेरे हस्बैंड की। बट मैं सच बताऊँ, मेरा हिस्सा भी आद्या ने आधा से ज़्यादा खा लिया था, और हर माँ ऐसी होती है, अपने बच्चे को थोड़ी ना भूखा रख सकती है, अपने बच्चे को, बच्चे का मन मार के कैसे मार ले सकती है। और उसके ये ट्राय, उसने ये पसंद किए थे वीडियो कॉल के थ्रू, तो ये लेकर आए हैं। ये मैंने पता है पहले क्या किया, पॉली पैक में पूरे अच्छे से पैक थे, पहले मैं इसको खोला, खोल के इसको डिटॉल में धुले हैं इनको मैंने, तो धुलने के बाद इनको अच्छे से पोंछ लिए हैं टॉवल में, क्योंकि आद्या बहुत जल्दी जल्दी जिद मचा रही थी, इसलिए मुझे डिटॉल में धुलने पड़े, थोड़ा सा एक ढक्कन डिटॉल डाला पानी में,
धुल लिए हैं। तो ये एनिमल्स हैं जिससे बेबी पहचानते हैं, छोटे बेबी कि ये उनको बताया जाता है ये पांडा है, ये लायन है, टाइगर है, हिप्पोपोटामस है, इस तरीके से। तो 12 है पीसेस में और काफ़ी अच्छे हैं। आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके की टॉयज लेके दे सकते हैं और छोटे हों, जैसे कि अभी आद्या लिए है, उसके बाद दक्ष के काम भी आएगा ये। आद्या तो बड़ी हो गई थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उसको पसंद है इसलिए मैंने उसके लिए ले दिए। और अब हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं, आद्या अपने टॉय के साथ खेल रही है। चाय से एक बात याद आ गई है, पिछले मेरे वीडियो में काफ़ी कॉमेंट आया कि पहले आप प्रियंका ये बताइए भगौना भर के चाय बनाई आपने और निकाली 2 कप, ऐसा क्यों? वो आपको भगौना जो दिख रहा था ना, वो मैंने रोज फ्राई पैन में बनाती हूँ, फ्राई पैन में बनाती हूँ, बट मैं उस दिन भगौने में बनाई। वो भगौना बहुत छोटा है, इसमें 2 कप ही चाय आ पाती है, ऊपर तक भर दो ना तब शायद आधा कप और एक्स्ट्रा आ जाए, बस उसके अलावा नहीं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कप ही चाय थी, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। और आप लोगों ने बहुत पूछा चाय के लिए, मतलब मेरी मेरी चाय क्या हो गई, बवाल हो गया पूरा। सो यहाँ पे अब हम लोग चाय पी रहे हैं, कुछ डिस्कस भी करते जा रहे हैं। गर्मी बहुत है तो मैं बालों को बांध ले रही हूँ और थोड़ी देर बैठ के बातें बातें करेंगे, फिर बाहर निकल के थोड़ा सा टहलेंगे हवा में, नेचुरल हवा में। बच्चू क्या हो गया, कैमरा देख ले हो? बच्चू कैमरा देख ले हो? मेरे बाबू अरमन कैमरा देख रहे हो? बहुत देख दे हो कैमरा। सो गाइस अभी 7:30 बज रहे हैं, 7:30 पूरे नहीं बजे हैं, 7:15 हुआ होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर बैठे हैं क्योंकि कूलर पंखा जो भी चल रहा है, अच्छा हवा तो लग रही लेकिन उमस सी लग रही थी, सो बाहर आके बैठे। हालांकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं चल रही है लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है, दक्ष भी बैठे हुए बड़े आराम से। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी लग रही थी, क्या कर अंदर बाहर ही कर रहे हैं। दक्ष को भी ले आई हूँ क्योंकि बिल्कुल भी 1% हवा नहीं चल रही है, लेकिन मैं सोचा थोड़ी देर अच्छा लगेगा तो मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि ये रो रहा था बाहर पापा के पास अपने, है ना बाबू? और पता है कल मेरा भाई आने वाला है मायके से, क्यों? क्योंकि राखी में नहीं आ पाया था इसलिए वो कल आ रहा है। बाबू यहाँ लेटना, ऐसे लेटना, ऐसे लेटना, ऐसे लेटना। मामा का वेट कर रही है, आदम मामा का वेट कर रही है ना। सो बाबू ओ ये देखो, ये पांडा, पांडा ये देखो, पांडा, पांडा कौन देखेगा, पांडा कौन देखेगा, ये पांडा ये। सो गाइज मैं कल क्या पहनने वाली हूँ, सूट साड़ी क्या है अभी सोचा नहीं है, लेकिन हाँ निकालने वाली हूँ जो भी सामान, जो भी चीज़ पहनने वाली हूँ मैं अलमारी से आज ही रात में निकाल के रख लूँगी। और कल मेरा भाई आ रहा है, सो एक्साइटेड, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लगता है यार जब भाई आता है या हम लोग मायके जाते हैं। बेबी को बस चुप कराने जा रही हूँ, अभी लोग कमेंट मत करना कि बेबी रो रहा है और बात कर रही हो, मुझे करना है इस वीडियो का एंड। और फिर मैं अपने बेबी को खिलाऊंगी और शाम को भी बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ दाल और रोटी। बहुत गर्मी है, खाना बनाने का मन नहीं है, लेकिन हाँ खाने का तो मन है। तो चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो आज मैं आज बहुत खुश हूँ, मामा आ रहे हैं और अब मैं लहंगा पहनूंगी। ओके, लहंगा नहीं पहनाएंगे पक्का, नहीं पहनाएंगे लहंगा। बाय बाय।